अगर आपने सीरियल इशबास का लास्ट एपिसोड देखा है तो आप भी इस बात से वाकिफ होंगे कि समर अपनी बहन रागिनी से कितना प्यार करता है वो रागिनी के लिए कुछ भी कर सकता है और यही वजह है कि अनिका पर इतना गुस्सा आने के बावजूद भी रागिनी के इंसिस करने पर उसने अनिका को जॉब पर रखी लिया आपको बता दें कि रागिनी समर को शिवाय और अनिका के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है हो सकता है कि अनिका और शिवाय को दूर करने के लिए और शिवाय के दिल में खुद की जगह बनाने के लिए रागिनी अपने भाई समर का इस्तेमाल करे लेकिन उसकी यही चाल उस पर भारी भी पड़ सकती है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अनिका और शिवाय को अलग करने के चक्कर में समर को भी अनिका से कहीं प्यार ना हो जाए क्यों है ना बहुत सारा कन्फ्यूज़न समर पहले तो अनिका से प्यार करने का नाटक करेगा और फिर वही नाटक सच में तब्दील भी हो जाएगा जिसके बाद रागिनी की यही चाल उस पर भारी पड़ जाएगी चलिए समझाते हैं आपको कि आखिर आपके अपने फेवरेट सीरियल में आगे क्या होने वाला है तो जैसा कि आपको पता है कि रागिनी शिवाय को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और वो इसलिए अपने भाई समर की हेल्प लेगी वो समर को अनिका से प्यार का नाटक करने के लिए कह सकती है जिसे देख कर शिवाय और भी ज्यादा टूट जाएगा और रागिनी के करीब चला जाएगा लेकिन ये भी हो सकता है कि रागिनी की यही चाल उस पर उल्टी पड़ जाए क्या पता अनिका की सच्चाई और बिंदास नेचर से समर को सच में अनिका से प्यार हो जाए यानी कि प्यार का ढोंग करते करते वो सच में अनिका से प्यार कर बैठेगा वेल ये सब तो सिर्फ कयास है अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्या होगा जब अनिका को धोखा देगा समर क्या शिवाय को भूल कर समर का हाथ थामने की गलती कर देगी अनिका या फिर अपनी गलती को समझते हुए अनिका से सच में प्यार कर बैठेगा समर ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चल पाएगा न्यूज़ रूम की रिपोर्ट